हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे सीट इन नीट एजुकेशनल चैनल पर। चलो तो हम लोग 2002 AIPMT में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं। टारगेट 83 क्वेश्चन सही कराने का एग्ज़ाम में नीट 2002 एंड ऑनवर्ड, क्योंकि 2019 में मेरे 79 क्वेश्चन सही हुए थे, 3-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक किए थे, जो अब की बार सिली मिस्टेक नहीं होगा। तो चलो हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर? ए ऑप्शन गैलेक्टोज, बी ग्लूकोनिक एसिड, सी बीटा मेथिल ग्लैक्टोसाइडेज, डी सुक्रोज। तो रिड्यूसिंग शुगर फर्स्ट ऑप्शन ग्लैक्टोज होता है, और डी में सुक्रोज एंड स्टार्च हम अपने आप लिख दिए, ये दोनों नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काज आ मिमिक्री इज, मिमिक्री के कारण क्या है? कंसेलमेंट, बी ऑफेंस, सी डिफेंस, डी बोथ बी एंड सी। तो इसके ऑप्शन ऑफेंस एंड डिफेंस होगा, डिफेंस प्रोटेक्शन, ऑफेंस अटैक, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, करेक्ट मैच कराना है। तो ए ऑप्शन डाउन सिंड्रोम, मैच उसके आगे लिखा है 21st क्रोमोसोम, ये सही लग रहा है। बी ऑप्शन भी देख ले रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया यक्स क्रोमोसोम, ये गलत हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज है, जो 11th क्रोमोसोम नंबर पे होती है। हीमोफीलिया से क्या मैच कराया गया है? वाई क्रोमोसोम, ये भी गलत हो जाएगा। हीमोफीलिया सेक्स लिंग रिसेसिव डिजीज है। पार्किंसन डिजीज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, इन ए पॉपुलेशन ऑन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाए तो बायोटिक पोटेंशियल फिक्स होना चाहिए, ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज कॉल्ड एज म्यूटेशन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, रीजन ऑफ फास्ट स्पीसिएशन इन प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट इज ड्यू टू, स्पीसिएशन का मीनिंग होती है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्टिंक्ट स्पीसीज द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पॉलीप्लाइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीसिएशन, न्यू स्पीसीज फॉर्म। इस तो बी ऑप्शन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस आर्गन, होमोलोगस आर्गन में एक ट्रिक एच डी पहले हम लोग देखते थे मूवी, अब भी देखते हैं। तो एच मतलब होमोलोगस, डी मतलब डाइवर्जेंट, तो एक ही पॉइंट से और ओरिजिन डिफरेंट होनी चाहिए, फंक्शन डिफरेंट और ओरिजिन सेम, तो ये हो जाएगा होमोलोगस डाइवर्जेंट। तो बिंग ऑफ बर्ड स्पायरो एंड पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश, पेक्टोरल फिन्स जो होती है फिश की और विंग्स जो होते हैं बर्ड के, ये दोनों सेम ओरिजिन होते हैं, फंक्शन डिफरेंट होता है। पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश में तैरने में काम आती है, विंग्स ऑफ बर्ड उड़ने में काम आती है, तो फंक्शन डिफरेंट है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ पे ऑपरेट होती है? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ, किसके ऑब्सेंस से चंद्रमा पे लाइफ नहीं होती? तो वाटर के, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
112 अकॉर्डिंग टू फॉसिल्स डिस्कवर्ड अप टू प्रेजेंट टाइम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है इवोल्यूशन, तो अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से हार्ट की जो इम्पल्स होती है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो स्टेनोड से। स्टेनोड कहाँ पे होता है, हार्ट ह्यूमन हार्ट के राइट एट्रिया में स्टेनोड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कार्टिलेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, तो हाइलाइन कार्टिलेज लॉन्ग बोन के एंड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 मिलानिन प्रोटेक्ट फ्रॉम, मिलानिन जो हम लोग के स्किन में होती है वो पिगमेंट होती है वो क्या प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेज को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के को फिल्लोक्विनोन भी कहते हैं, फिल्लोक्विनोन एंटी हीमोरेजिक विटामिन है, ये इसकी डिफिशियंसी जब हो जाती है बॉडी में तो ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, और ये इसके फंक्शन क्या है विटामिन के, ये प्रोथ्रोम्बिन लीवर में जो है प्रोथ्रोम्बिन बनता है वो सिंथेसिस कराती है जो क्लॉटिंग के समय काम करता है थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट आर टर्न, अगर लिगामेंट टर्न हो जाते हैं तो क्या होता है, बोन लेस मूवेबल एट जॉइंट एंड पेन होता है, लेस मूवेबल हो जाती है और पेन होता है, तो बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ, लिम्फ के रिस्पेक्ट में क्या कथन सही है इसमें से, तो बी ऑप्शन ब्लड में से जब हटा दोगे आरबीसी एंड सम प्रोटीन घटा दोगे तो लिम्फ बचेगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, लैग फेज आएगा फिर लॉग फेज आएगा फिर स्टेशनरी फेज आएगा फिर डिक्लाइन फेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया पॉपुलेशन इन लैब इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट विल बी द शेप ऑफ ग्राफ, हाइपरबोलिक एंड जे शेप, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। Thank you.